आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक अनोखी चीज को नहीं पता होगा, यहाँ तक कि आप देखे भी नहीं होंगे इस चीज को कि ये आखिर। तो बहुत लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा पहले से। अभी मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे पीछे से कि ये है क्या। तो दोस्तों इस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये सारी चीज़ें इस समय ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और ये अभी तक सही है, इसलिए मैं इसे रखा हूँ। और ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, फुली आर्ट। इसमें देखिए टोटल 4 वायर आपको निकली हैं, इधर एक वायर, एक इधर भी है और यहाँ पर 2 वायर हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोग गेस कर पाए होंगे तो कमेंट में नाम बता दीजिएगा, नहीं तो फिर चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरा इसे खोल कर भी दिखाएंगे और इसके अंदर कौन कौन से सर्किट लगे हैं और ये क्यों मुझे इतना पसंद आया, जो कि मैं इसे आज तक कभी संभाल कर रखा हूँ। यहाँ से इससे पीछे यहाँ पर एक कैप की तरह है, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इसके लाकर वगैरह टूट चुके हैं क्योंकि काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए ये दिखता है। अब हमको इसे भी बाहर निकालना है, तो इस पिन जितनी भी फंसी हुई हैं पहले इसको सभी को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे देखते हैं दोस्तों, ये क्या चीज़ है, अगर आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिए कमेंट करके। देखिए मैं इस पीसीबी को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन होंगे, जानते होंगे, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ के आप समझ जाएंगे कि है क्या। ये है दोस्तों सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि है PWM। तो PWM में ही सोलर चार्ज कंट्रोलर है दोस्तों। एक MPPT भी आता है, वो तो काफ़ी महंगा होता है और डिजिटल भी होता है। तो ये डिजिटल नहीं है दोस्तों, इसमें एनालॉग की तरह है, बस सिर्फ LED आपको बताएंगे, इंडिकेशन देंगी। और ये सोलर चार्ज कंट्रोलर दोस्तों ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था, मैं जहाँ से लेके आया हूँ उन लोगों ने बताया कि ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था। और ये किसको मिला ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पर था शॉप पर, तो मैं वहाँ से लेके आ गया हूँ। और एक दोस्तों काफ़ी सही चीज़ है अभी, इसमें देखिए पूरा यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक IC लगी हुई है, यहाँ पर भी एक IC है, ये हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर होगा। यहाँ पर MOSFET की तरह हैं 2 यहाँ पर, और इसमें डायोड, रेजिस्टेंस, जेनर डायोड भी है और छोटे छोटे रजिस्टर यहाँ पर भी लगे हुए हैं। LEDs हैं 5 LED। और पीछे की साइड देखें तो यहाँ पर पीछे एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक फ्यूज़ दिया गया है जो कि एक बार ब्रेक होता है फिर उसके बाद ठंडा होने पर खुद से ज्वाइंट हो जाता है, मतलब फिर से चालू हो जाता है, आपके सर्किट को ख़राब होने से बचाता है, खुद भी ख़राब नहीं होता है जल्दी। और यहाँ पर एक डायोड लगा है जो कि बैटरी को अगर आप गलत जोड़ देते हैं तो ये सेफ्टी आपको देगा किट के लिए। और यहाँ पर एक MOV की तरह है, ये दोस्तों ZOV है, इस पर लिखा हुआ है, MOV नहीं है, तो ZOV। और बस यही कुछ है दोस्तों इस पर। और यहाँ पर देखेंगे तो सारे स्लॉट्स बने हुए हैं जो कि ये वायर कनेक्ट हुई हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिशियन होंगे तो इन सभी चीज़ों को पढ़कर समझ जाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ है। तो चलिए हम इसको पूरा आज चेक करें। देखिए यहाँ पर एक सोलर का वायर है दोस्तों, जो कि सोलर मैंने बगल में रखा हुआ है और ये सोलर का वायर है। तो हम पहले इसको सोलर वाले को सोलर में पहले अटैच करते हैं। यहाँ से देखिए ये वाला वायर जाके यही निकला है, तो यही सोलर वाला है। देखिए जैसे ही मैंने इसको अटैच किया तो यहाँ देखिए LED ऑन हो चुकी हैं, यहाँ देखिए 5 LED जल चुकी हैं क्योंकि इसमें सोलर से करंट आ रहा है और इसमें आउटपुट वगैरह सब कुछ है। तो चलिए हम इसे बैटरी का भी कनेक्शन इसमें दे देते हैं। देखिए जैसे मैं बैटरी को टच कर रहा हूँ तो देखिए बैटरी का ये जो सिंबल है बैटरी वाला, वो सोलर का दिखा रहा है कि सोलर चार्ज कर रहा है, लेकिन बैटरी का देखिए रेड हो जा रहा है क्योंकि अभी बैटरी जो है अभी फुल चार्ज नहीं है। जैसे ही बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, आउटपुट इसका ऑन है। अगर दोस्तों बैटरी लो होती है, 11 वोल्ट से नीचे आती है, तो ये दोस्तों ऑफ भी कर देता है, ये सर्किट जो है स्विचिंग करता है IC के थ्रू। उसको मैं यूज करके देखा हूँ, काफ़ी अच्छा है। अगर वोल्टेज लो हुआ तो ये कट कर देता है, और अगर छोटी बैटरी अगर आप जोड़ देते हो काफ़ी बड़े सोलर के साथ, जैसे छोटी बैटरी है, मैं 20 वाट का सोलर से चार्ज करता हूँ, सोलर पर गर्मी का धूप पड़ता है दोपहर का तो बहुत ही ज़्यादा जब करंट निकलता है, एम्पियर भी अच्छे खासा निकल जाते हैं, वोल्टेज भी, तो ये क्या करता है उस समय कट कर देता है सप्लाई को, ये क्योंकि बैटरी का ओवर वोल्टेज जाता है तो ये कट करता है, जो कि 2 से 2.5 एम्पियर इसे करंट चाहिए। तो चलिए मैं इसी के पास आपको रखता हूँ ताकि दोनों देखे साफ का सप्लाई। तो यहाँ पर देखिए मोटर घूम रहा है, अभी देखते हैं इसको नचाते हैं, देखते हैं दोस्तों सप्लाई कब कट कर। मीटर भी लगा देना चाहते हैं साथ में ताकि आपको दिखता रहे कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है इसमें। पर देखिए अभी तो 12 वोल्ट के आसपास है, तो चलिए अब मोटर को हम टच कराते हैं, फिर देखते हैं कि कितना ये कंज्यूमिंग कर रहा है एम्पियर को। ट्वेल्व पॉइंट 13 हो गया, मोटर की भी आवाज़ आपको आ रही होगी। यहाँ पर देखिए अभी ये वाला ऑन है,
अभी देखिए दोस्तों बैटरी चार्जिंग हो रही है, अभी देखिए कट करता है यानी 11 वोल्ट 12.050। अभी इसको हम चलने देते हैं, देखते हैं कितना जाता है, तब तक वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ज़्यादा समय इसमें बीत रहा था तो यहाँ पर मैंने दोस्तों एक कन्वर्टर भी यहाँ पर लगा दिया है, वहाँ वोल्टेज आप देख सकते हैं। मैं ब्राइटनेस दे देता हूँ डिस्प्ले का, 11.85 वोल्ट। तो ये दोस्तों जल्दी कम ही नहीं हो रहा था, देखिए अभी भी मोटर रनिंग में है, ये देखिए ये अभी भी मोटर रनिंग में है दोनों, और यहाँ पर देखिए ऑन है। जैसे ये दोस्तों बंद करेगा तो ये वाली जो LED है रेड कलर की, ये बंद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए LED जो रेड कलर की यहाँ पर है, ये बंद हो जाएगी। तो चलिए मैं कन्वर्टर ऑन करता हूँ ताकि लोड जल्दी इस पर पड़े और बैटरी जल्दी डाउन करे। तो देखिए मैंने किया, देखिए यहाँ कन्वर्टर ऑन हो गया। इसमें दोस्तों कुछ भी अभी मैं लोड नहीं जोड़ा हूँ, लेकिन देखिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है, इसलिए ये सब तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए। यहाँ पर देखते रहिएगा कब ये बंद करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बंद कर दिया, इसलिए मैं कन्वर्टर को अलग कर देता हूँ। देखिए फिर से चालू हो गया। अब जैसे मैं मोटर को फिर से जोड़ूंगा तो फिर से चल देगा दोस्तों मोटर, देखिए चालू हो गया। और वहाँ पर 11.85 मतलब वाला कन्वर्टर दोस्तों बहुत ही बेकार होता है, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज खाता है बेकार का, जिसमें कि ना तो मैंने कुछ भी कनेक्ट किया फिर भी खा गया। इस समय देखिए अभी चार्ज हो रहा है, ये है आउटपुट की आउटपुट LED। जब तक ये ऑन रहेगी आपका आउटपुट रहेगा, ये से बंद होती है आपका आउटपुट बंद। तो ये छोटा सा किट है लेकिन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो में दिखा दूँ कि अगर ये वाला किट अगर आप लोगों के पास हो तो फिर आप इस चीज़ को कभी भी फेंकिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज़ है। आप लोग इसे रखे रहिए और इसे बल्कि अपने बैटरी वगैरह में लगा के यूज़ कीजिए तो बैटरी की लाइफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग साल दो साल एक्स्ट्रा आपका बैटरी चल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।